खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ पादरी शर्जील मुनव्वर। ईद पेंतिकोस का मतलब क्या है, इसका तसव्वुर क्या है और पुराने अदनामे में इसको किस नाम से जाना और पहचाना जाता है, आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखें, ईद पेंतिकोस मसीहों में तीसरा बड़ा त्यौहार है जो मनाया जाता है। बड़ा दिन यानी क्रिसमस, ईस्टर का दिन यानी क़यामतुल मसीह, और फिर तीसरा बड़ा त्यौहार ईद पेंतिकोस्त है जिसको ईद नजूल भी कहा जाता है। अगर हम लफ्ज पेंतिकोस्त को देखें तो ये जिस लफ्ज से निकला है यानी जिस यूनानी लफ्ज से निकला है उसका मतलब 50वां दिन है। 50वां दिन, इसका मतलब ये है कि ये कोई खास दिन है, उस दिन के 50वें दिन में जाके ईद पेंतिकोस्त आती है। और अगर हम पुराना अहदनामा देखते हैं तो फिर ईद फसा के 50वें दिन इस ईद को मनाया जाता था। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखना चाहते हैं तो अहबार की किताब उसका 23वां बाब और 16वीं आयत हमारी मदद करती है, जहां पर आपको 50वें दिन पर ईद मनाने की या खुशी करने का हुक्म मिलता है। बाइबल मुकद्दस में इस ईद को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता था। इसमें एक नाम हफ्तों की ईद भी है, इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। यानी गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 26वीं आयत में आपको यह नाम मिलता है, और फिर इस्तिस्ना उसका 16वां बाब और 16वीं आयत में यह नाम मिलता है। इसके साथ साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम आपको खुदा के जिंदा कलाम में यानी पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत में मिलता है, जहां पे फसल काटने की ईद है। इसको फसल काटने की ईद भी कहा जाता है क्योंकि बनी इसराइल अपने पहले फलों की, जो पहला फल होता था वो खुदा उनके सामने पेश करते थे, और इस तरह से उसको पहले फलों की या फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ये खास दिन बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि ये पूरा हफ्ता और वो खास दिन भी आपके लिए बरकत का वसीला बने। हम आने वाली तमाम वीडियोस में, खास तौर पे आतवार तक हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, हम रूल को इसके ताल्लुक से ही सीखेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप ऐसी तमाम वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसमें आपके लिए वीडियोस बनती हैं, इसलिए इसको ज़रूर लाइक करें और इसके लिंक को लें, कॉपी करें और फिर बहुत सारे लोगों तक भेजें, ताकि हम सब लोग इन तमाम तर सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें और इसी तरह से हम सीखते रहें, बढ़ते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।